विपक्षी संगठन का नाम इंडिया रख देना विपक्ष का एक मजबूत पैतरा है। इसकी मुहर अब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी लगा रहे हैं, क्योंकि देश के नाम का विरोध भाजपा के नेताओं ने सिर्फ इस बिना पर शुरू किया क्योंकि विपक्ष ने इसे अपने संगठन का नाम दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने तो अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया नाम ही हटा दिया, कहा ये पश्चिमी सोच को दिखाता है। ऐसे ही कई भाजपा के नेता इंडिया देश के नाम में कई कमियां गिनवाते घूम रहे हैं। इस मामले पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बोलकर किसी को हैरान नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं से मिलता जुलता बयान ही दिया है। इंडिया नाम पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने उसे ईस्ट इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जोड़ा है, जो दिखाता है कि इंडिया नाम का इस्तेमाल बीजेपी को बुरी तरह चोट कर रहा है। इस पर देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी देश के नाम में कमियां ढूंढ ढूंढ कर गिनवानी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसद रविशंकर से ये बात कही। रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए बताया, पीएम ने इंडिया पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है, कहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाई थी, लोग इंडियन मुजाहिदीन नाम भी रख लेते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी रखते हैं, देश का नाम इस्तेमाल करके जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। दोस्तों, पीएम मोदी का ये बयान दिखाता है कि पीएम कहीं न कहीं बीजेपी के अन्य नेताओं की ही भांति विपक्ष के इंडिया नाम से हताहत हैं। तभी उन्हें इंडिया नाम के इस्तेमाल करने वालों में राष्ट्रभक्ति कम और आतंकवाद ज्यादा दिखाई दे रहा है। इंडिया नाम का इस्तेमाल करने वाले भारत विरोधी संगठनों का नाम तो उन्होंने गिनवा दिया, लेकिन इंडिया नाम वाले राष्ट्र समर्पित संस्थाओं और संगठनों का नाम भुला दिया। सवाल ये है कि क्या जहां भी इंडिया नाम लिखा जा रहा है वहां संदेह करना ही चाहिए, चाहे इंडियन नेवी हो, इंडियन फोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, क्या इन सब को देशभक्ति का सर्टिफिकेट पीएम मोदी और भाजपा से ही दिया जाना चाहिए, या फिर इनके कह देने भर से इंडिया नाम का इस्तेमाल करने वाले केवल और केवल विपक्ष के देशभक्ति पर सवाल उठना चाहिए। पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।